ब्रेन चिप को लेकर चर्चा में आई एलन मस्क की कंपनी न्यूरोलिक अब गंभीर आरोपों के घेरे में है। कंपनी के लोगों ने ही कहा है कि मस्क के दबाव के कारण एनिमल टेस्टिंग की गति बढ़ानी पड़ी, जिसके कारण बहुत से जानवर मारे गए हैं। अब भी उन पर हिंसा हो रही है। अब यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने इस पर जांच बैठा दी है। इस बीच ये सवाल उठ रहा है कि ह्यूमन ट्रायल में तो लोगों की परमिशन भी ली जाती है और कोई मानक भी तय होते हैं, लेकिन एनिमल टेस्टिंग के समय पशु पक्षियों को कैसे चुना जाता है? क्या बच्चे, बूढ़े या बीमार जानवरों को राहत मिलती है या वो भी ट्रायल में फंस जाते हैं? और सबसे जरूरी बात, क्या एनिमल टेस्टिंग का कोई ऑप्शन खोजा जा रहा है? किन जानवर पर हो रहा है प्रयोग? आम तौर पर ह्यूमन ट्रायल से पहले हर प्रोडक्ट को पशु पक्षियों पर टेस्ट किया जाता है। इनमें बंदर, खरगोश, चूहे, मेंढक, मछली, सुअर, घोड़े, भेड़, मछलियाँ और कई तरह के पक्षी शामिल हैं। पहले चिंपांजियों पर कई तरह की जांच होती थी, लेकिन अब ज्यादातर देशों में इन पर बैन लग चुका है। ये अलग बात है कि इसके बाद भी बहुत सी लैब चोरी छुपे टेस्ट करते हैं। कहाँ से मिलते हैं टेस्टिंग के लिए पशु? टेस्टिंग के लिए लिए जाने वाले ज्यादातर एनिमल इसी उद्देश्य से तैयार किए जाते हैं, यानी उन्हें प्रयोग के लिए ही इस दुनिया में लाया जाता है। ऐसे पशुओं के डीलर अलग होते हैं जिनके पास इस काम के लिए लाइसेंस होता है। इनके अलावा दूसरे डीलर भी होते हैं जो गोपनीय तरीके से काम करते हैं। हालांकि सरकारी लैब ऐसे लोगों की मदद नहीं लेती है। कई जानवर सीधे जंगलों से भी उठाए जाते हैं जिनमें चिड़ियां और बंदर शामिल हैं। कैसे होती है लैब की जिंदगी? टेस्टिंग के दौरान तो पशुओं को काफी तकलीफें मिलती हैं। उससे पहले यानी कि प्री टेस्टिंग में वो अकेलापन और भूख झेलते हैं। आमतौर पर इन्हें स्टील के पिंजरों में रखा जाता है जहाँ कन्फर्न के नाम पर कुछ नहीं होता। यहाँ तक कि दूसरे पशुओं को टेस्टिंग के दौरान बाकी पशु उन्हें रोता चीखता हुआ सुनते हैं। वैसे टेस्टिंग के दौरान जख्मी होने या मौत का जुर्माना है, लेकिन ज्यादातर मामलों में इनका पता ही नहीं लग पाता। प्रयोग खत्म होने के बाद जानवर का क्या होता है? टेस्टिंग से गुजर चुके पशु को मार दिया जाता है ताकि उसके ऊतक और अंगों को आगे जांच हो सके। लेकिन कई बार एक ही जानवर पर लगातार कई सारे टेस्ट होते हैं। इस लंबी प्रक्रिया के दौरान वो अपने आप दम तोड़ देते हैं। वहीं ज्यादातर केस में प्रयोग के साइड इफेक्ट के कारण वो मर जाते हैं। देश और दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।